दवाई ली आपने? दवाई कल लेके आए पर मजबूरी काम धंधा लग नहीं रहा। रो कैसे रहे हो आप? अरे रो क्यों रही हो? अरे जी बात से ले रही है। नहीं कोई बात नहीं है, रो क्यों रहे? परेशानी तो बताइए आप अपनी। ये इनकी गुड़िया, इनकी बेटी, कितने दिन की है भाई साहब? ये 2 महीने की इनकी बेटी है। ये देखिए, ईयर कहाँ पर है? आप बिहार से हो? ये देखिए दोस्तों, यूपी में मिली मेरे को एक बिहार की महिला। इनकी शादी यूपी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है। कब हुई थी आपकी शादी? 5 साल हो गई। 5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। ये राधिका, ये तो हुआ? ये 2 बच्चे हैं दोस्तों इनके। सर्दी गर्मी बरसात और तूफान में झेलता हूँ, खुश होकर जिंदगी का हर खेल खेलता हूँ। आज मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ एक ऐसा परिवार, जो परिवार इस बरसात के मौसम में, इतनी मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल रात 11 बजे से बरसात हो रही है, और उस बरसात के अंदर किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है ये परिवार, चलिए मैं दिखाता हूँ। उस बरसात चालू होती है, पब्लिक के अंदर खुशी की एक लहर आ जाती है कि अपने घर में बैठ करके वो पकौड़े बनाते आलू के या आलू के पराठे खाते। और ये एक ऐसा परिवार है जो मैं इसके घर के सामने का अगर आपको नज़ारा दिखाऊं तो आप ये देखिए, इनके घर के सामने का नज़ारा देखिए, ये है दोस्तों। इस रास्ते से ही अपने घर में आते हैं। चलिए दोस्तों आपको उनके घर के अंदर लेकर के चलता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका घर। घर के नाम पर एक छोटी सी एक टीन पड़ी हुई है, और मुश्किल से मुश्किल 6x6 का ये कमरा है इनका। इसमें ये 4 सदस्य रहते हैं। ये इनकी पत्नी है, 2 इनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं इन भाई साहब की छोटी सी एक कुटिया में हूँ, और इनकी बच्ची को मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी बच्ची कितनी छोटी है। और ये है इनकी गुड़िया, इनकी बेटी, कितने दिन की है भाई साहब? ये 2 महीने की इनकी बेटी है। ये देखिए, ये इनका छोटा सा बच्चा जो अभी 1 महीने का है या 2 महीने का है। ये देखिए, और ये इनकी दूसरी बच्ची। बेटा क्या नाम है आपका? राखी। राखी, पढ़ने जाते हो आप? पढ़ने नहीं जाते हो? आपको राशन कार्ड मिल गया है? नहीं मिला, हमें कछु ना मिले, ना राशन मिले, ना कछु मिलते, ना हमारा कोई सुनते, ना गरीब है ना को हमारे। आपके गांव के प्रधान से आपने कभी कुछ नहीं बोला कि हमारा राशन कार्ड बना? प्रधान तो कुछ बोला, कोई बनाता नहीं है, हमारा कोई काम सुनता नहीं है, हम क्या करें। देखिए दोस्तों, इन बच्चों की माताजी से मिलाता हूँ आपको। रीना तुम मूड भरे डाले तू बात कर मोबाइल। क्या नाम है आपका? रीना। रीना, क्या करते हैं आपके पति? चिनाई करते हैं। आप ये गांव से अलग आपने कैसे मकान बना रखा है? गरीब आदमी है। गरीब है। नहीं गरीब है तो आपकी ये जगह है यहाँ पर? हाँ। अच्छा जी, ये देखिए दोस्तों रीना जी का ये कमरा है। पब्लिक जो ये ऊपर टांड बनवाती है वो कुछ सामान रखने के लिए बनवाती है, इन्होंने लकड़ियाँ रख रखी हैं इसके ऊपर। रीना जी कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितने लड़की लड़कियां? कितने? 2 लड़की 2 लड़का 2 लड़की। पढ़ने जाते हैं? जाते हैं। आपकी कैसी ऐसी तबीयत खराब हो रही है? बीमार पड़ी है। बीमार क्या हो गया आपको? बुखार तकलीफ आ रही है। बुखार है? हाँ, बुखार तकलीफ। चलो ठीक है, दवाई ली आपने? दवाई कल लेके आए पर मजबूरी काम धंधा लग नहीं रहा। रो कैसे रहे हो आप? रो क्यों रही हो? अरे जी बात से ले रही है। नहीं कोई बात नहीं है, रो क्यों रहे? परेशानी तो बताइए आप अपनी।
कुछ शारीरिक परेशानी है या कैसी परेशानी है आपको? नहीं, बीमार है। बीमारी की वजह से? तो देखिए दोस्तों, ये बीना जी के आंसुओं से आपको रीना जी के आंसुओं से आपको पता चल रहा होगा ये कितने दुख में अपनी जिंदगी निकाल रही हैं। पति हैं, थोड़ा बहुत कमा लाते हैं, चार बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सरकार से मिलता है, तो सिर्फ 4 किलो चावल गेहूँ और सिलेंडर दिया है, उसमें भी पैसे। दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से उज्ज्वला योजना, वो एक तिखाल में रखी हुई है गैस। रीना जी ये गैस कैसे रख रखी है आपने तिखाल में, चलाएगी नहीं है इसको? पैसा नहीं है। सिलेंडर नहीं है आपके पास भराने के लिए पैसे? हाँ। ये देखिए दोस्तों, गैस को रख रखा है 100 पीस में, क्योंकि रीना जी के पास में पैसे नहीं है सिलेंडर लेने के लिए। मोदी जी कम से कम इसको और नहीं तो सस्ता तो कर दीजिए सिलेंडर को, जो आज सिलेंडर की कीमत 1100-1200 रुपये है, तो ये कैसे चलाए? एक तरफ तो रीना जी ने गैस रख रखी है 100 पीस में जो चलती नहीं है, और जो चलती है वो ये चीज़ है, ये लकड़ी भी इन्होंने बरसात के मौसम में संजो करके इसलिए रखी हुई है ताकि इनके शाम को चूल्हा जल सके और बच्चों के लिए खाना बन सके। बेटा आप रीना जी की बेटी हो, क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। ये बेटा ये नल का पानी कैसा है, खारा है मीठा है? खारा पानी है। तुम पीते नहीं हो इसको? छौली से भर के लाते। ये देखिए दोस्तों, वो रीना जी हैं, उनकी ये दो बिटिया हैं। ये देखिए दोस्तों, बारिश पड़ रही है इस समय, और ये दिखाता हूँ इन्हीं का, ये इनका बाथरूम, इसी में ये नहाते हैं, और जो पूरा है वो इनका किचन वगैरह, रहना खाना पीना सब कुछ यही है। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, आपके पति क्या करते हैं? लेबर में काम करते हैं। लेबर में काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? और आपका पियर कहाँ पर है? आप बिहार से हो? ये देखिए दोस्तों, यूपी में मिली मेरे को एक बिहार की महिला, इनकी शादी यूपी में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, और इनके पति लेबर का काम करते हैं। जो अभी मैंने आपको बाथरूम दिखाया है वो बाथरूम है, और जो ये कमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ यही इनका बेडरूम है, और यही इनकी किचन है। ये देखिए, ये इनका चूल्हा है, ये इनके छोटे छोटे बच्चे, ये आप ही के बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे। और कितने लड़के लड़के हैं? एक लड़का है, दो लड़की। ये दो लड़कियां हैं। ये देखिए, ये इनका लड़का है, देखिए सुंदर सा, वैसे इन्होंने अपना कमरा एक सजा रखा है। कब हुई थी आपकी शादी? 4 साल का ही हुई है। 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी, इनके ये तीन बच्चे। आप अपने गांव कब से नहीं गए? मैं तो रक्षाबंधन पर गए थे। चलो ठीक है, आपको ये मोदी जी की तरफ से जो गैस की व्यवस्था आई थी, दोस्तों जो ये महिला थी जो बिहार से, इनकी शादी हुई है यहाँ पर यूपी में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इन्हीं के कमरे से बिल्कुल टच ये वाला कमरा, ये इनका नहीं है, इनके भाई का है, ये इनके भाई की हैं, ये दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं। ये दो, हाँ ये देवरानी जेठानी है। क्या नाम है आपका? सुशीला। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। आप भी बिहार के हो? कब हुई थी आपकी शादी? 5 साल हो गई। 5 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। ये राधिका, ये तो हुआ? ये दो बच्चे हैं दोस्तों इनके, और इनका कमरा मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है, वो देख लीजिए आप, आपको खुद पता चल जाएगा। कमरे के अंदर घुसते ही ये ख़त्म है, जो चाहता पूरा। और ये इनका किचन भी है, ये इनका बेडरूम भी है। ये बाथरूम है, और इनका
दोस्तों सुशीला जी का आपको मैंने बेडरूम और किचन तो ये दोनों एक ही हैं दिखा दिया, अब दिखाता हूँ मैं इनका बाथरूम। ये देखिए दोस्तों, ये सुशीला जी का बाथरूम है, ये देख लीजिए। ये शायद इसके नहाते समय खड़ा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, शायद बैठ भी नहीं पाती होंगी ढंग से।